की ओर से तो मेरा कहना है या मान लीजिए कि साधना आप लोगों से कहना क्या चाह रही है, क्या है दादाजी, क्योंकि कहना है क्या सुनेगा, मेरा कहना आप लोगों से कि कर जलाना है सच की ज्योति जलाओ तो सच की ज्योति जलाइए और जलो ना औरों से, दूसरों से मत जलो, कि जलो ना औरों से ना उनको जलाओ और दादाजी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बेटी आपकी कहना क्या चाह रही है, संदेशा जा रहा है गीत के माध्यम से कि किसी का दिल न जलाओ, किसी का दिल न जलाओ, किसी का दिल न जलाओ और किसी का घर न जलाओ। अगर स्वयं को जलाना चाहते हो तो किस तरह जलो, कि जलो दीपक की तरह, अगर जलना चाहते हो तो दीपक की तरह जलो। हाँ देखो कि जलो दीपक की तरह हुआ क्या कि जल गई होलिका, होलिका जल गई, जल गई। बहुत बहुत धन्यवाद है, अगर लाइन अच्छी लग जाए तो आप लोग तालियां बजा दिया करो। कि जल गई होलिका प्रहलाद को जलाने में, प्रहलाद को जलाना चाहती है होलिका लेकिन स्वयं जल जाती है। जल गई, जल गई, कि जल गई हो कपिवर की जलाने में, धन्यवाद है। और जल गई लंका पोछ कपिवर की जलाने में, कि जल गई लंका पोछ कपिवर की जलाने में। दूसरों से ना जलो, अगर स्वयं को जलाना चाहते हो तो दीपक की तरह जलो। हाँ और ये इस गीत पे खुश होकर के एक से एक मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। सम्मानित श्री जयप्रकाश सिंह ये बड़े लाला रावतपुर की ओर से आशीर्वाद प्रदान हुआ है। भैया को प्रणाम है, आशीर्वाद के कारण बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा सुने, दूसरी पंक्तियां मेरी कह रहे हैं दादाजी, किसी दे साधे को चक्कर में फंसाओ लोगों, कोई अगर सीधा साधा है तो उसे चक्कर में ना फंसाओ। और जाल खडयंत्र, कि जाल खडयंत्र गाना ऐसा बनाओ लोगों, जाल खडयंत्र गाना ऐसा बनाओ लोगों। अगर जाल ही बनाना है तो आखिर वो जाल होना कैसा चाहिए, कि प्रेम का जाल बनाओ, प्रेम का जाल बनाओ, प्रेम का जाल बनाओ और उसी में फंसो फंसाओ। धन्यवाद है, प्रेम का जाल बनाओ और उसी में फंसो और फंस जाओ। कि प्रेम का जाल बनाओ, प्रेम का जाल बनाओ और उसी जैसे कहां पर कहा कि फंस गए विष्णु, कि फंस गए विष्णु स्वयं बलि को है फंसाने में। कहा विष्णु भगवान 52 रूप बना करके 52 रूप बना करके फंसाने गए थे, लेकिन स्वयं को पहरेदारी करनी पड़ी 52 दरवाजों पर। तो फंस गए विष्णु स्वयं बलि को है फंसाने में, फंस गया निश्चर पवन पुत्र को फंसाने, फंस गया निश्चर पवन पुत्र को फंसाने, फंस गया निश्चर पवन पुत्र को फंसाने। अंतिम पंक्ति मेरी कह रहे हैं क्या हमारे दादाजी और यहाँ की जनता जनार्दन सुनेगा, सुने आखिर ये साधना और क्या कहना चाह रही है क्या? कि मिटाना है तो बुराई को मिटाओ लोगों, अगर कुछ मिटाना है तो इस समाज से बुराई को मिटाया जाए। मिटाना है तो बुराई को मिटाओ लोगों, और अगर स्वयं को मिटाना चाहते तो कहां पर मिटाओ? स्वयं को मिटाना है आपको। अगर मिटना है तो, अगर मिटना है तो इस देश पे मिट जाओ लोगों, मिट जाओ लोगों, मिट जाओ लोगों। अगर मिटना है तो इस देश पे मिट जाओ लोगों, क्योंकि कि वरना मिटना मिटाना है सदियों पुराना, कि वरना मिटना मिटाना है सदियों पुराना। और झूठ तो मिट जाता है, झूठ तो मिट जाता है, सत्य कभी मिटाना, सत्य कभी मिटाना, सत्य कभी मिटाना। जब मिटने की बात दादाजी आई तो कौन मिट रहा है? मिटा पुत्री को मिटाने में सब अपने पुत्र प्रहलाद को मिटाना चाहता है, लेकिन स्वयं मिट जाता है। बिल्कुल मिटा ही ना कश्यप निज पुत्र को मिटाने में, मिट गया अच्छे को, मिट गया अच्छे पवन पुत्र को मिटाने में। ये दादाजी गीत जैसा आदेशित करेगा।